हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक। तो भाई होंडा क्रेटा आज के टाइम में एक ऐसी गाड़ी बन चुकी है जो कि सभी को पसंद आती है और ये शुरुआत से लेकर आज तक भी टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर रहती है क्योंकि इसमें लुक्स के साथ साथ फुली लोडेड फीचर्स भी मिलते हैं। तो प्रेजेंट जनरेशन क्रेटा को इंडिया में 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। जनरली 2 साल के बाद गाड़ियों का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो जाता है, लेकिन क्रेटा के फेसलिफ्ट को इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। तो अब लोगों की क्रेटा के फेसलिफ्ट को लेकर काफी ज्यादा डिमांड आ रही है, तो इन्हीं सभी के बीच क्रेटा फेसलिफ्ट के कुछ फोटोज लीक हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2022 की क्रेटा में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो जिसने भी चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भाई ये है होंडाई क्रेटा का फेसलिफ्ट वेरिएंट। इसमें इसकी ग्रिल को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। पहले ग्रिल ब्लैक और क्रोम फिनिश के साथ आती थी, लेकिन अब होंडाई वालों ने इस ग्रिल में कुछ अलग ही मटेरियल का यूज किया है जो कि हल्के स्मोकी से कलर के साथ आती है। और दूसरा चेंज इसके हेडलैम्प्स का देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में ट्राई एरो एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन फेसलिफ्ट में हेडलैम्प्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में बाकी सब तो सेम ही है, बस इसके अलॉय व्हील्स के डिजाइन को चेंज कर दिया गया है। और बात करें इसकी रियर प्रोफाइल की तो रियर से टेल लैंप्स की डिजाइन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन टेलगेट को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस बार टेलगेट पर शार्प एजेस और कट्स बनाए गए हैं जिससे कि इसका लुक और भी ज्यादा शार्प हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं क्रेटा फेसलिफ्ट के इंटीरियर की। तो इंटीरियर में होंडाई वालों ने कोई मेजर चेंज नहीं किया है, बस एक दो कॉस्मेटिक चेंज ही किए हैं, जिसमें से कि एक है एम्बिएंट लाइटिंग। जी हां, इस बार क्रेटा में एम्बिएंट लाइटिंग भी ऐड कर दी गई है और एक दो एक्स्ट्रा चेंजेस भी हो सकते हैं जो कि मुझे अभी तक नहीं पता। तो अब मेन बात आती है कि 2022 तो आ चुका है, लेकिन क्रेटा का फेसलिफ्ट कब तक आएगा। तो जैसा कि जानकारी से पता चला है कि अप्रैल या मई तक क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो सकता है, बाकी आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। और प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस 70 से 80 हजार रुपए बढ़ सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और कमेंट करके आप ये जरूर बताना कि आपको क्रेटा फेसलिफ्ट कैसा लगा। और भाई वीडियो को लाइक करें और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।